अगर आप पियानो को दोनों हाथों से प्ले करना सीखना चाहते हो या फिर हो सकता है इस पार्ट पे दोनों हाथों के कोऑर्डिनेशन में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसे स्टेप्स बताऊंगा क्योंकि मैंने फॉलो की है, मेरे स्टूडेंट्स ने फॉलो की है, और अगर आप भी इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे एंड दैट इज गारंटेड। बट यू नीड टू कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड फॉलो द लेसन जो कि मैं बताऊंगा, ठीक है? एंड तक आइए, टू एंड कोऑर्डिनेशन को आसान से सीख सकते हैं। लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जयेश कुडावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो ये जो तीन स्टेप्स होंगे ना, ये तीनों के तीनों स्टेप्स एक स्टेज बन जाएंगे, ठीक है? टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन का एक कंप्लीट स्टेज होता है। एक स्टेज के बाद अलग अलग स्टेज पे जैसे मूव करते हो तो वो और बेहतर होता जाता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि सारे स्टेजेस को इक्वली ध्यान देके सीखना पड़ेगा एंड उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने पिछले जितने भी कोर्सेज बनाए, पिछले शॉर्ट कोर्सेज, उसके बाद जीरो टू हीरो पियानो कोर्स, इन कोर्सेज में मैंने यही स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके इस टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन को सिखाया हुआ है, जो कि बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। और इस तरीके से हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब दोनों से प्ले करना सीख गए, ठीक है? क्योंकि राइट टीचर इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर दिस, ठीक है? कोर्स में थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा फटाफट समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो एक्सरसाइजेस होंगी वो बहुत ही इफेक्टिव होंगी। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप से, ठीक है? फर्स्ट स्टेप आता है हमारा जहाँ पे हमें दोनों हाथों में सेम नोट्स प्ले करते हैं, ठीक है? अब तक हमने राइट हैंड में नोट्स प्ले किए, हो सकता है आपने कॉर्ड्स प्ले किए हो, थोड़ा बहुत लेफ्ट हैंड में ट्रेनिंग किया, लेकिन दोनों हाथों से पियानो को प्ले करने के लिए अगर आप इस तरीके से प्ले करना चाहते हो, मतलब ये मैंने कुछ भी प्ले किया है, लेकिन आप इस तरीके से अगर प्ले करना चाहते हो तो डायरेक्टली ये चीज़ प्ले नहीं होगी। सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि दोनों हाथों में सेम नोट्स एक साथ कैसे प्ले करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं एक साथ दोनों हाथों में सेम चीज प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे मैं आपको दो एक्सरसाइजेस दूंगा, ठीक है? दो एक्सरसाइज, सेकंड वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इस पर्टिकुलर स्टेप में सेकंड एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार होगी, जो कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? आपको एक्सरसाइज ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए सेकंड जानना पड़ेगा। फर्स्ट देख लेते, बहुत सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज में नोट्स क्या यूज करने हैं हमें, जी सी डी ई एफ जी ई सी, फिंगर पोजिशन देख लीजिए, 5 1 2 3 4 5 3 1। अब ये सेम चीज लेफ्ट हैंड से करनी है। अब लेफ्ट हैंड में हैंड्स हमारे मिरर्ड होते हैं, ये लेफ्ट साइड पे हमारा थंब है तो यहाँ पे हमारा राइट साइड पे थंब है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड की फिंगर पोजिशन चेंज हो जाएगी, विच विल बी 1 5 4 3 2 1 3 5। क्लियर? रिपीट करके देख सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज को दो नोटों से प्ले करनी है। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, नोट्स हमारे सेम है, ठीक है? पहले सेम नोट्स को दो नोटों से प्ले करना सीखेंगे, उसके बाद आगे अलग अलग नोट्स चलेंगे, पैटर्न चलेगी, ठीक है? वो पहले करना है। अब ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म नहीं होती। आपने ये इस पांच नोट से किया, तो अब अपने पांचों हाथों, पांचों उंगलियों को दोनों हाथों की उठा के एक नोट आगे लेके जाना, किस तरीके से, पहले यहां से किया, अब ये चीज करेंगे यहां से, ठीक है? तो पहले जो जी था अब वो बन जाएगा ए, देखो यहां पे इस चीज होगी, इस तरीके से गलतियां होगी, तो वो गलतियां क्यों होती है, क्योंकि टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन शायद लैक कर रहे हो, और वही चीजों को सॉल्व करने के लिए वही चीज ना हो इसलिए हम ये एक्सरसाइज को करते हैं। इस तरीके से ये चीज से लेके आगे वाले चीज तक जाना, ठीक है? ये हो गया हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसको मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेम्पो आप रख सकते हैं समवेयर बिटवीन 60 to 110 तक, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वार्टर नोट फॉर्मेट में करना है, मतलब ये होगा 1 2 3 4, पूरे चार बीट में आठ नोट्स को कंप्लीट करना है, विच बिकम्स क्वार्टर नोट फॉर्मेट, और उसका टेम्पो होगा 60 to 110, ठीक है? अब आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे।
सेकेंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं है जो कि मैं बता रहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज कि यू नीड टू प्ले सॉन्ग्स विद बोथ ऑफ योर हैंड्स. ठीक है, आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स है उन फेवरेट सॉन्ग्स को आपको दोनों हाथों से प्ले करना है. कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई फिंगर पोजिशन नहीं, फ्री स्टाइल सब कुछ रहेगा. बस अपने जो सॉन्ग को आप राइट हैंड से प्ले कर रहे हैं उसी के साथ में आपको लेफ्ट हैंड से भी प्ले करना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सॉन्ग प्ले किया तो अब ये चीज को इस तरीके से करेंगे. अब दोनों हाथों को साथ में करना है. इस तरीके से गड़बड़ होगी लेफ्ट हैंड में क्योंकि दोनों हाथों से कभी सॉन्ग को प्ले नहीं किया. इस तरीके से फ्री स्टाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि 10 सॉन्ग्स को प्ले करिए. ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए अपने लिए क्योंकि एक बार इस चीज को सॉल्व कर लोगे फिर आगे कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार सीख लोगे आगे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कार की तरह है, कार और बाइक चलाना सीखते हैं राइट, तो एक बार सीख गए उसके बाद लाइफ टाइम के लिए सीखने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर नहीं सीखे तो आगे जाके कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर बैठोगे. ठीक है, तो अभी सीख लीजिए, एक्सीडेंट वैसे भी होते हैं लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं अगर अच्छे से चलाने आती है गाड़ी. वैसे यहाँ पे भी सेम चीज है, अच्छे से सीख लोगे उसके बाद आगे जाके गलतियां कम हो. ठीक है, और फ्लुएंटली पियानो को बजा पाओगे जो कि आपका गोल है राइट. फर्स्ट स्टेप. नाउ कम सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या करना है, दोनों हाथों में डिफरेंट नोट्स प्ले करने. एक बार साथ में एक जैसे नोट्स को प्ले कर लिया, जैसे कि ये जो एक्सरसाइज आपने देखी उसमें सेम नोट्स प्ले करने. सॉन्ग्स प्ले करोगे तो सेम नोट्स ही दोनों हाथों में चलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम दोनों हाथों में डिफरेंट नोट्स को प्ले करेंगे. ठीक है, दो एक्सरसाइजेस बहुत ही आसान है. पहले क्या करना है, हमें राइट हैंड में जो नोट्स हमने पहले वाले स्टेप में फर्स्ट एक्सरसाइज में देखे थे वो ही करना है, लेकिन अब लेफ्ट हैंड के नोट्स बदल जाएंगे. ठीक है, क्या करना है समझते. फर्स्ट सेकेंड स्टेप की फर्स्ट एक्सरसाइज में नोट्स तो यही रहेंगे, राइट हैंड में यही नोट्स रहेंगे. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड में नोट्स बदलते हैं वो देखते हैं. ये बहुत आसान नोट्स है, सी डी ई एफ जी एफ ई डी. पांच नोट आ गए, 1 2 3 4 5 और तीन नोट पीछे गए, इस तरीके से 8 नोट्स आ गए. अब इसकी फिंगर पोजीशन सीख लेते हैं. 5 4 3 2 1 2 3 4 क्लियर. और राइट हैंड में जा, अब दोनों को साथ में करना है. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों हाथों में डिफरेंट नोट्स है. स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी और हो सकता है कि आप जब इसे प्ले करें तो एक बार में प्ले ना हो, दो बार में प्ले ना हो, इनफैक्ट 1-2 घंटे तक भी प्ले ना हो शायद. ठीक है, लेकिन उसके बाद ये चीज कंफर्टेबल डेफिनेटली हो जाएगी आपके लिए. बस वो कंसिस्टेंट और वो थोड़ा सा टाइम इनिशियल फ्रिक्शन महसूस करना पड़ेगा, और वो नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा. इससे अच्छा है कि 1/2 घंटा 1 घंटा बैठे इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा तो आगे बढ़ पाओगे, और आगे बढ़ पाओगे तो ब्यूटीफुल दोनों हाथों सॉन्ग्स को प्ले कर पाओगे. ठीक है, तो देखते कैसे प्ले करना है दोनों हाथों को. इस तरीके से और आगे बढ़ेंगे. इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज. अब सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सिंपल है, क्या करना है, जो चीज हमने लेफ्ट हैंड में की थी उसको राइट हैंड में कर देंगे, जो चीज राइट हैंड में की थी उसको लेफ्ट हैंड में कर देंगे. मतलब जो हमने पहले ये लेफ्ट हैंड में किया था इसको राइट हैंड में कर देंगे, और अब जो राइट हैंड में किया था उसको लेफ्ट हैंड में कर देंगे. कंफ्यूजन ब्रो मैक्स लेवल पे होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन अभी सॉल्व हो गए तो आगे दिक्कत आने की चांसेस और ही कम हो जाएंगे, और आप बहुत ही डिटेल में से इस चीज को सीख जाएंगे. ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है. स्लोली पहले एकदम स्लोली स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे.
इस तरीके से धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, पहले स्लोली देन फास्ट। इस तरीके से स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दो एक्सरसाइज देख ली, अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप इज यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ नोट्स इन बोथ ऑफ योर हैंड्स। बहुत आसान है, देखिए क्या करना है कि अब पहले हमने क्या किया, दोनों हाथों में सेम नोट्स प्ले किए, फिर दोनों हाथों में डिफरेंट नोट्स किए इस तरीके से, इस तरीके से। अब आता है थर्ड स्टेप, जहां पे हमें दोनों हाथों में डिफरेंट नोट्स तो करने ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको डिफरेंट नंबर ऑफ नोट प्ले करना है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम 8 नोट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ 4 नोट्स करने हैं, बस इतना ही। और फिर जब यहाँ पे अगेन 8 नोट करेंगे तब यहाँ पे आगे के 4 नोट करेंगे। समझ नहीं आया होगा, मैं समझा। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हाथों में नोट्स हमारे सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ नोट्स हमें बदलने, ठीक है। नोट्स अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, अभी हमें करने की जरूरत नहीं। अभी हमें क्या करना है कि दोनों हाथों में डिफरेंट नंबर ऑफ नोट्स को प्रैक्टिस करना है। तो एक्सरसाइज ये बनी रहेगी, लेकिन फर्क हो जाएगा देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है, या मैंने दो बार लूप कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दो बार कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पे उसी रैम में मैंने एक ही बार कंप्लीट किया इस तरीके से, ठीक है। अब ये चीज को प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से आगे बढ़ते रहना। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना है, अब यहाँ पे हमें 8 नोट्स करने हैं, लेकिन यहाँ पे उसके साथ में सिर्फ 2 ही नोट होंगे। मतलब रेशियो देखेंगे तो पहले में क्या था, 2 नोट इन द राइट हैंड, 1 नोट इन द लेफ्ट हैंड, ये रेशियो था 2:1। मतलब एक्चुअली देखने जाए तो लेफ्ट टू राइट का रेशियो 1:2 और राइट टू लेफ्ट का रेशियो 2:1, ठीक है। लेकिन अब हमें राइट हैंड में 4 नोट्स करने हैं और लेफ्ट हैंड में बस एक ही नोट करना है। मतलब ये 4 नोट किए, उसके बाद यहाँ पे अलग नेक्स्ट नोट प्ले करेंगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा मैं लास्ट में गड़बड़ की, लेकिन दिस इज व्हाट यू नो आर्पेजियोस एंड टू एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट, ठीक है। यहाँ पे 4 नोट, यहाँ पे 1 नोट, पहले क्या था, यहाँ पे 2 नोट, यहाँ पे 1 नोट, अब यहाँ पे 4 नोट, यहाँ पे 1, ठीक है। एक्सरसाइज क्लियर हो गए। अब थर्ड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, थर्ड एक्सरसाइज में जो चीज हमने लेफ्ट हैंड में की थी उस चीज को राइट हैंड में ऐड कर देंगे, जो चीज राइट हैंड में की थी उसको हमने लेफ्ट हैंड में ऐड कर दिया। मतलब राइट में हमें एक साथ 1 नोट प्ले करना है एंड लेफ्ट में उसी साथ में 2 नोट प्ले करना है। मतलब यहाँ पे 2 नोट, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में सी, और सेम चीज लेफ्ट में 4 कर देंगे और राइट में 1 नोट कर देंगे, ठीक है। स्लोली जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज आपके लिए क्लियर होती जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट भी होगा, लेकिन वंस यू डू दैट ये बहुत आसान हो जाएगा। इसको भी हमें मेट्रोनोम पे ही करना हो, और ये 3 स्टेप्स अक्सर हम फॉलो नहीं करते, इसलिए हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लेकिन जो इसे प्रैक्टिस कर लेता है इन 3 स्टेप को डिटेल में, उसे पता ही नहीं चलता कि कब टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो गया। इसीलिए राइट टीचर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स को हमसे डिटेल में सीखिए और सिंप्लीफाइड वे में सीखिए, तो हमने इसके लिए डिटेल्ड कोर्स भी बनाया होगा। क्योंकि यूट्यूब पे एक एक करके वीडियो अपलोड करना एंड लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज अपलोड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है यूट्यूब पे, इसलिए हमने इसका एक डिटेल्ड कोर्स बनाया है, जहाँ पे हमने इसी कॉन्सेप्ट को और ऐसे ही कई सारे कॉन्सेप्ट्स को जो कि पैनो में सीखने लायक है उनको और डिटेल में सिखाया है। आपको ये 3 स्टेप्स जो आपने सीखे उसी को हमने और डिटेल में हमारे कोर्स में समझाया हुआ है ऑलरेडी।
साथ में पीयर ट्रेनिंग, आरपीजीओस, कॉर्ड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ हमारे कोर्स के। और हमारे कोर्स की एक खास बात पता है क्या है, जो कि हमारे पियानो कोर्स को इंडिया का बेस्ट पियानो कोर्स बनाती है, दैट इज कि वी ऑफर लाइव Q&A सेशंस विद दिस कोर्स। मतलब अगर आप हमारे कोर्स का प्रीमियम प्लान परचेस करते हैं तो आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, जहाँ पे आप हमारे साथ, मतलब मेरे साथ पर्सनली जुड़कर जूम मीटिंग पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं, इंस्टेंट रेमेडीज ले सकते हैं, क्या एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या कोर्स में एक्जैक्टली आपको दिक्कत आ रही है, सारी चीजें समझ के मैं आपको अपना गाइडेंस दे पाता हूँ अपने लाइव क्लासेस में। इसीलिए ये कोर्स इंडिया का बेस्ट पियानो कोर्स है, बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स, इट कम्स विद लाइव इंटरेक्शन विद मी, ताकि आपको कभी भी पियानो सीखने में डाउट ना आए और आप स्मूथली पियानो सीख सके। ये गलतियां पता चल जाएगी राइट टाइम पे, तो उसका टाइम बच जाएगा और यू नो आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। मेक श्योर टू चेक आउट दिस कोर्स, इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई गारंटी यू आप डेफिनेटली ऐसा पियानो प्ले करना सीख जाएंगे जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। प्लस दिस कम्स विद अ 14 डेज नो क्वेश्चन आंसर रिफंड पॉलिसी, व्हिच मेक्स इट अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, तो एक बार चेक करना बनता है। और इसके बारे में और भी कोई डाउट है कोर्स के बारे में, तो हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स के अंदर, ताकि आप कोर्स के बारे में और समझ सके। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, डिजाइन की प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।